कस्टमर पार्सल तो ऑर्डर कर देते हैं लेकिन पता नहीं क्यों नंबर जो है वो ब्लॉक करके रख देते हैं। तो ब्लॉक किया हुआ नंबर पे कैसे अभी लगता है 10 साल और इसकी आयु बढ़ गया है कैसे और 10 साल तक मैं यूज कर पाऊंगा। मिलने के लिए मेरे से लगभग कितना दूर से आया है? 70-80 किलोमीटर। 70-80 किलोमीटर दूर से आया है बेचारा मेरे से मिलने के लिए। तो आज भाई को पूरा काम सिखा दिया हूँ कुछ काज, ठीक है, और कल सिखाऊंगा पूरा, बाकी परसों से फिर से बात करना चाहते हैं। और नंबर को ना अनब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक किया हुआ है नंबर आप। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय ब्लॉग। फिलहाल मैं जा रहा हूँ ऑफिस, ठीक है, दरवाजे को पहले बंद कर देता हूँ क्योंकि घर पे ना कोई नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे ब्लॉग पे बने रहेगा। और हाँ, जो भी मेरे चैनल पे नया है ना, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऑफिस जाके और देखता हूँ आज की कहानी मेरी क्या होती है। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे ब्लॉग पे बने रहेगा, ठीक है, निकलता हूँ। दोस्तों, बार बार गाड़ी ना मेरा बंद हो जा रहा है, पता नहीं पेट्रोल खत्म हो गया है कि क्या हो गया है, किस कारण से पता नहीं बंद हो जा रहा है। पेट्रोल तो खत्म नहीं होना चाहिए जहां तक मेरे को लगता है। पेट्रोल तो दोस्तों बहुत सारा है लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो गया बाइक को, और कैमरा पे भी आ गया पेट्रोल का। दोस्तों, पेट्रोल तो खत्म नहीं हुआ है लेकिन किस कारण से पता नहीं बंद हो जा रहा है, क्योंकि 2 बार हो चुका है। तो मैं फिर अभी चलते चलते फिर अचानक से बंद हो गया, ठीक है, चालू हो गया है। शायद बाहर था ना गाड़ी, इसी कारण से शायद बंद हो जा रहा है, क्योंकि रात को थोड़ा सा पानी भी गिरा था इसीलिए। तो अभी दोस्तों चलता हूँ सीधा ऑफिस, ऑफिस जाके देखता हूँ क्या होता है और आगे बंद ना हो। कल ही मैं पूजा किया था कि भगवान करे मेरे को धोखा ना मिले, कहीं से खराब ना हो, और आज ही ऐसा होगा तो कैसे चलेगा। फिलहाल दोस्तों अपना बाइक तैयार कर चुका हूँ और आज भी एक नए लड़के को, क्या नाम है भैया आपका? हर्षित कुमार। तो दोस्तों आज इस भाई को मैं ट्रेनिंग दूंगा, पूरा काम सिखाऊंगा, क्योंकि कुछ दिन बाद सेल लगने वाला है, ठीक है। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा और मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन के अंदर ही भाई को पूरा चीज सिखा दूं, ताकि वो दूसरा या तीसरा दिन से पार्सल बांटने लगे और अपना सैलरी बनाने लगे, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं आज पहला स्टॉप कहाँ होता है। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे ब्लॉग पे बने रहेंगे, ठीक है। चलो, आज बहुत सारा पार्सल नहीं है, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा बड़ा बड़ा पार्सल इसलिए भर गया है। तो चलते हैं, छोड़ते हैं। तो दोस्तों भाई को पहली बार भेज रहा हूँ फर्स्ट स्टॉप पे पार्सल डिलीवर करने के लिए, ठीक है। चलो आगे चलो, वो वाला घर है, पूरा पीला पीला हो गया घर, ये वाला घर है ना, यहाँ पे बोलना 208 रुपये, अंदर जाओ। सर मैडम, नहीं घंटी नहीं बजता है, एक बार बजा के देखते हैं, नया वाला लगाया है। हाँ बज गया, चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो चलो अंदर चलो ना, अंदर चलो, नहीं निकलेंगे वहीं से जाना पड़ता है। सुबह का टाइम है ना, अभी संडे का दिन भी है, सब कोई सोते रहते हैं और हम लोग सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। जाओ आगे, 208 रुपये ऑनलाइन करेंगे तो बोलना, ऑनलाइन करेंगे या कैश देंगे? आकांक्षा सिंह, हम लोग सुबह ही मतलब भेज देते हैं कंपनी वाले, इसीलिए हम काम करते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग को जब पार्सल असाइन होता है ना तो हम लोग को डिलीवर करना रहता है सुबह सुबह। बोला नहीं से बोलता है, चलो पैसा लेके आओ ना, देखो क्या बोलते हैं। गेट को बंद कर दो। तो भाई फर्स्ट पार्सल डिलीवर कर चुके हैं और सुबह सुबह आ गया तो कस्टमर को भी दिक्कत हो जाता है, कभी कभी बोलते हैं कि इतना सुबह क्यों आ जाते कैसे क्या करें यार, हम लोग का काम ही सुबह का है तो कैसे करेंगे। चलो अभी नेक्स्ट स्टॉप पे, ठीक है, भाई पहला पार्सल जो है डिलीवर कर चुके हैं, अभी आगे चलते हैं। तो दोस्तों 2-4 पार्सल बांट चुका हूँ और भाई को फिर से एक जगह ले जा रहा हूँ, ठीक है, डिलीवर करवाने के लिए। सुबह का टाइम है, पता नहीं अभी यहाँ पे भी ना बोलते कि इतना सुबह सुबह कैसे आ गए। उसको रख दो ना, उसको रख दो, हाँ रख दो ना, उसको कोई दिक्कत नहीं है, यही वाला घर का पार्सल है ये वाला, ठीक है, चलो अंदर जाओ। 270 रुपये ना, ऑनलाइन पे करेंगे तो बोलना कि ऑनलाइन पे करने के लिए, कैश देंगे तो कैश। चलो चलो सीधा चलो, नया कार लिया, नहीं घंटी नहीं है, इधर होगा घंटी। पार्सल पार्सल
270 रुपये, 270। हाँ तो दोस्तों फिलहाल यहाँ का पार्सल जो है ना वो दे दिया हूँ, क्योंकि चेंज नहीं था। ठीक है, और आगे का और एक पार्सल है ना भाई, यहीं बैग को यहीं पर रख देता हूँ। ये वाला शायद पार्सल है, नहीं ये वाला नहीं है, इसके अंदर होगा शायद। देखो तो ये वाला है क्या? हाँ यही है ना। चलो 8 नंबर में चले, पार्सल यहीं पर रहने तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास कोई चेंज नहीं है। अभी जितना भी कस्टमर को पार्सल दिया ना पूरा ऑनलाइन पे किया है। ठीक है, तो अंकल को बोल दिया हूँ कि कुछ देर बाद आ जाऊँगा। ठीक है, उस टाइम ही दे दूँगा। अभी 8 नंबर देखना, 8 नंबर पे जाना है। ठीक है, क्या चीज़ का आवाज़ दे रहा है पता नहीं। ये 6 नंबर 7 8 आगे है। ये नारियल पेड़ है कि कौन सा पेड़ है ये? नारियल नहीं है, कुछ और होगा ना। अच्छा लगता है, हालांकि काफ़ी बड़ा बड़ा दिखता है। आठ नंबर, चलो यही अलग है। चलो अंदर चलो, कोई दिक्कत नहीं, बाहर खींचो। चलो चलो वो सामने लगा हुआ। मैडम, भैया पार्सल आया। भाई कोई भी दिक्कत होगा मेरे पास कॉल करना, नंबर रख लेना। ठीक ना, कोई दिक्कत होने नहीं दूंगा। कभी भी कुछ भी दिक्कत हो मेरे पास कॉल करना, मैं समझा दूँगा। ठीक है, अभी चलता हूँ अगला स्टॉप पे। यहाँ पर और एक पार्सल ना बड़ा वाला है, लेकिन वो कस्टमर बोला कि अभी कैसे लेकर आ गए, 10 बजे के बाद आना था तुमको, ऐसे बोलते हैं। चल देखते हैं, ट्राई करके, नहीं बोलेंगे तो पार्सल डिलीवर हो जाएगा, बोलेंगे तो बाद में आ जाऊँगा देने के लिए। यही वाला पार्सल, ये वाला जो बड़ा वाला जो पार्सल है, यही वाला। चलते हैं सामने वाला घर। तो भाई पार्सल देने गया है। ठीक है, शोरूम का पार्सल है, अभी तक खुला नहीं है। तो भैया के पास कॉल कर दिया था, तो भैया बोले कि गार्ड के पास दे देना। हाँ दे दो दे दो दे दो, शिबली हसन नाम से है, दे दो, पकड़ा दो ना, पकड़ा दो। भैया पे हो गया है, रख लीजिए। चलो, हाँ नंबर नहीं लगेगा कॉल, वो ले जाएंगे। भैया के पास कॉल कर दिया था, बोले कि गार्ड के पास छोड़ देने के लिए। चलो चलते हैं अभी अगला स्टॉप। दोस्तों ये वाला पार्सल जो है कस्टमर क्या किए हैं कि नंबर ही ब्लॉक करके रख दिए हैं। ठीक है, तो लोकेशन यहीं का दिखा रहा, तो भाई को भेजा हूँ, शायद यही वाला घर हो सकता है। तो भाई पहले पूछ के आएगा, अंदर चले जाओ, पूछ के आना। ठीक है, चले जाओ अंदर चले जाओ। राजीव क्या होता है ना, कस्टमर पार्सल तो ऑर्डर कर देता है, लेकिन पता नहीं क्यों नंबर जो है वो ब्लॉक करके रख देता है। तो ब्लॉक किया हुआ नंबर से कैसे कॉल लगेगा? कॉल कर रहा हूँ, बार बार कट जा रहा है। देखता हूँ ये वाला घर होना चाहिए यार, क्योंकि लोकेशन जो दिखा रहा है ना गूगल मैप में यही दिखा रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। घंटी बजा दो या फिर थोड़ा सा खटखटा दो। आ रहे हैं कि राजू रंजन जी का घर ही वाला है क्या? हाँ नहीं है ना। चलो कोई अगल बगल में कोई होंगे क्या? वो नंबर ब्लॉक करके रख दिए हैं। हाँ चलो ऑर्डर करके ब्लॉक कर देते हैं तो भारी दिक्कत हो जाता है। तो दोस्तों ये वाला घर जो है अंदाजा जो है था वो गलत निकला। ठीक है, अब चलता हूँ अगला स्टॉप पे, मैसेज कर देता हूँ, देखता हूँ अगर कॉल बैक आ गया तो उस पार्सल को दे दूँगा। तो बड़ा पार्सल है ना, थोड़ा लेने जाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए सोचता हूँ कि थोड़ा पार्सल डिलीवर हो जाता तो ठीक रहता है।
हेलो अभी घूमो इसको पकड़ के, एक बार मैसेज करके देख लेता हूँ, रिप्लाई आ गया तो चलो दे देंगे। कैसे वो वाला नंबर ब्लॉक करके रखे थे, ये वाला दुकान का पार्सल है, ठीक है, कॉल लगे कस्टमर केयर में कॉल किया था तो यहीं का पार्सल है। कैश दिए हैं? चलो ठीक है। इसको वापसी का प्रोसेस क्या है? अगर उसको रिटर्न डाल दीजिएगा ना, वो ऐप में आपका दिखा देगा, कुछ भी दिक्कत होगा ऐप से रिटर्न डालिएगा, और नंबर को ना अनब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक किया हुआ है नंबर। आप कॉल कर रहा था तो कॉल नहीं लग रहा था, कट जा रहा था, फिर मैं कस्टमर केयर में कॉल किया, फिर शायद एक औरत या लड़की कॉल की थी आपको, कॉल पर अनब्लॉक कर दीजिएगा उसको। कॉल करता हूँ, जैसे ये कहाँ दिखा रहा है, इसमें दिखाई नहीं रहा है, नहीं ब्लॉक वाला है, ये वाला है, हम ब्लॉक किए हैं। ब्लॉक करें कहाँ? नहीं नहीं, फिर से ओके कीजिए, लिख कीजिए, हाँ ब्लॉक करें, हट गया आप। हाँ मैं इसलिए कॉल कर रहा था, लग ही नहीं रहा था पार्सल देने के लिए, कुछ टाइम पैसा नहीं लिए थे तो फिर से आ गया हूँ पैसा लेने के लिए। ठीक है तो कुछ नाश्ता कर लेते हैं। ठीक है भैया, जलेबी नहीं है क्या? जलेबी दीजिएगा दो प्लेट। चलो हाथ धो लो फिर खाते हैं। बहुत दिन से खोज रहा था सिलवाने के लिए, एक दिन यहाँ तक आया, फिर खोजा दुकान मिला नहीं, फिर उधर चला गया। तो फाइनली दोस्तों मेरा एक सूच जो है वो सिल चुका है और दूसरा सूच सिला रहा है। ठीक है, और काफ़ी अच्छा सिल दिए हैं, देख ही सकते हैं। अभी लगता है 10 साल और इसकी आयु बढ़ गया है कैसे और 10 साल तक मैं यूज कर पाऊँगा। सिल चुका है, इतना तगड़ा धागा से कि छूटने वाला नहीं है, वो भी सिला जाएगा फिर जाएंगे। एक पार्सल बचा हुआ था उसको देने के लिए, ठीक है पहन लेता हूँ उसको। तो फाइनली दोस्तों मेरा दोनों सूट जो है पूरी तरह से सिल चुका है, अब इसकी उम्र जो है ना 20 साल बढ़ चुका है, 20 साल तक पहन पाऊंगा अभी आराम से, फटेगा नहीं। तो फाइनली दोस्तों लास्ट स्टॉप पे आ चुका हूँ। ठीक है, इसी घर का पार्सल था, कॉल कर रहा था, उठा नहीं रहे थे, हालांकि बहुत दिन बाद ऑर्डर किए हैं तो पता नहीं चल रहा था कि ये वाला घर है, तो अंकल के पास कॉल लगा, फिर कॉल बैक किया ना तब पता चला कि ये वाला घर है। चलो भाई निकालो पार्सल को, मैं खटखटा देता हूँ। मैडम पार्सल था, बाहर आइएगा। हाय रे, चिल्ला चिल्ला के हालत खराब, छोटा वाला तुमने क्या किया? फिलहाल दोस्तों काम आज का खत्म करके आ गया था, और मेरा दोस्त आज बहुत दिन बाद मिला है। ठीक है, हम साथ में भी पहले काम करते थे, और ये बेचारा अभी अपना काम धंधा पानी स्टार्ट कर दिया है, तो आज बहुत दिनों, लगभग कितना महीना हो गया भाई? 6-7 महीने 6-7 महीना बाद आ जा रहा है मिलने के लिए मेरे से। लगभग कितना दूर से आया है? 70-80 किलोमीटर दूर से आया है बेचारा मेरे से मिलने के लिए। ठीक है, तो जा भाई, अभी बहुत टाइम से हम लोग बात किए हैं, जाता हूँ वापस अंदर जाके पैसा वगैरह जमा करता हूँ। ठीक है भाई, मिलते हैं। दोस्तों आज भाई को पूरा काम सिखा दिया हूँ कुछ काज, ठीक है, और कल सिखाऊंगा पूरा, बाकी परसों से फिर से बात नहीं करूँगा। ठीक है, जाओ जाओ भाई, जाओ खाना वाना खाओ जाके घर में, फिर कल आ जाना। आज मेरे से बहुत लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। और भाई क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, आप बताओ आप कैसे? बस बढ़िया,
और जस्ट आया हूँ काम खत्म करके, अभी खत्म हो गया। हाँ तो दोस्तों ये भाई भी पहले हम लोग के साथ काम करता था और ये भी शायद मिलने आया है, मिलने घर जा रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ जा रहा हूँ? जा रहा हूँ मेरा काम। तो फिलहाल दोस्तों आज का काम मेरा खत्म हो चुका है और पैसा वगैरह जमा कर चुका हूँ, जा रहा हूँ सीधा घर। ठीक है, घर जाके मिलते हैं। ठीक, चाबी तो छोड़ के ही चला जाता। दोस्तों देख ही सकते हैं तालाब में ना पूरा जाली से घेर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे पक्षी वगैरह आते हैं और यहाँ से छोटे छोटे जो मछली है उसको निकाल के ले जाते हैं। ठीक है, इसलिए चारों तरफ से घेराव दे दिए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बाय।